So a very good morning to you all. Today we'll be doing the chapter 9th of your Panorama books. The name of a chapter is The Last Lesson. So होता ना, हम लोग स्टडीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं. अभी जब हम स्कूल लाइफ में हैं तो हमको स्कूल बहुत गंदा लगता है, और हमको वो लोग बहुत लक्की लगते हैं जिनको स्कूल नहीं जाना पड़ता है. लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे, अपने बड़े भाई बहनों से, कि मतलब वो अपने स्कूल लाइफ को याद करते हैं, मिस करते हैं, एंड दे विश दे बैक टू द ओल्डन डेज. मतलब एक चीज़ जिससे हम कभी नफरत करते हैं, हम उसी चीज़ से प्यार करने लग जाते हैं. और एक होता है जब हमें लगता है कि हम कोई चीज़ खोने वाले हैं, तब हमें उसकी ज़्यादा अहमियत होती है. तो ऐसे ही ये जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम का जो चैप्टर है, जब एक कंट्री को, आज सपोज़ तुमको हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी हमें डिफ़िकल्ट लगती है, मान लो हमें नहीं समझ में आती है, सपोज़ कभी ऐसा कोई वॉर वगैरह हो और एक दूसरी कंट्री जो है अपनी कंट्री को ओवरटेक कर ले और ऐसा बोल दे कि यहाँ पे सिर्फ उस कंट्री की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, है ना. सपोज़ जैस अगर जर्मनी कर दे और वो बोले कि सिर्फ जर्मन यहाँ पढ़ाई जाएगी और हिंदी एकदम बंद कर देनी है, तो उस दिन हमारे साथ क्या होगा. और मान लो हम क्लास में कभी अटेंटिव रहे नहीं, हमने सीखी नहीं, तो उस दिन तो हमको सबसे ज़्यादा ऐसा बुरा लगेगा कि काश क्लास में हमने अटेंटिवली सीख ली होती, तो कम से कम हम अपने रूट से जुड़े तो रहते. तो ऐसी ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही भावुक, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. द नेम एज इट्स सजेस्ट, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉट. So, I'll be reading the chapter and explaining it to you people. About the writer, Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. He and has more than 36 works on literature to his credit. He is considered to be one of the most iconic names of French literature. He portrayed human emotions in a very realistic manner. है ना, बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया है. सो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म के अंदर ये है. I start for school very late that morning. I was in great dread of scolding, especially because M. Hemel had said that he would be caution on us on past participle, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day of outdoors. It is so warm, so bright, the birds are chirping at the edge of the woods, and in open field black the sawmill of the Persian soldiers was drilling. It was much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब वो कह रहा है उस दिन मैं पहले ही जो स्कूल से है वो लेट गया था, घर से जो है लेट निकला था स्कूल के लिए, है ना. एक तो पहले ही मैं स्कूल के लिए लेट निकला, और उसके बाद में उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था. डर क्यों लग रहा था? कि उनके जो टीचर है एम हेमल, वो उनका आज टेस्ट लेने वाले थे. और किस चीज़ का टेस्ट लेने वाले थे? पार्टिसिपल्स का. और इसको पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, तो इसको पता था आज तो डंडे पड़ने वाले हैं, डांट पड़ने वाली है. तो एक बार तो इसको लगा कि आज इसको स्किप कर देना चाहिए. और वेदर, मतलब होता नहीं कई बार जब हम ऐसे सोचते हैं तो चीज़ें भी हमारा साथ, वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, पर्शियन सोल्जर्स जो है वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे सॉ ड्रिलिंग जिसको बोलते हैं, वो देख के, और बर्ड्स जो है चिड़िया चहचहा रही थी, ये सब देख के उसकी इच्छा हुई कि मैं, मतलब उसको टेम्प्ट किया, लालच दिया कि तुम रुक जाओ इन्जॉय करो. लेकिन उसने अपने सारे टेम्पटेशंस को एक साइड रखते हुए और ही हरिड टू स्कूल, उसने जल्दी जल्दी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फॉर द लास्ट टू इयर्स ऑल अ बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लास्ट लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ. अब वो जब अपना टाउन हॉल क्रॉस कर रहा, तो तुमने ऐसे देखा होगा सिटीज़ के अंदर कि बिल्डिंग के बाहर न्यूज़ चलती रहती है ऐसे, कभी अगर देखा है कहीं पर न्यूज़ है ना वो चलती रहती है, बुलेटिन जो है ना वो ऐसे आता रहता. तो टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन आ रहा था, वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी. तो फ्रांस एक बार तो सोचते कि क्या आ रहा होगा, लेकिन फिर वो याद करके पिछले दो साल हो गए थे एक्चुअली वॉर चलते हुए, तो हमेशा कुछ बुरी ही न्यूज़ आती थी कि वॉर हार गए, इतने लोग मर गए, ये हो गया. तो उसको लगा आज ऐसा क्या हो गया, आज इतनी भीड़ क्यों है. लेकिन उसने उस चीज़ पर ध्यान देते हुए वो आगे बढ़ गया. देन आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड एट द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर With his appendages reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you'll get to school in plenty of time. वो कह रहा है एक ब्लैक स्मिथ जो एक लोहार होता है जो एक वो न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रहा था, वो कह रहा है जब मैं बहुत तेज़ी से चल रहा था तो वो मुझे रोक के बोलता कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे. अब उसने उसको ऐसा क्यों कहा? I thought he was making fun of me and reached M. Hemel's little garden out of the breath. उसको लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो लेट जा रहा है इसलिए कैसा कह रहा होगा, और वो एक सांस भागते हुए एम हेमल के गार्डन में, मतलब अपने स्कूल के गार्डन के अंदर आ गया. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड नॉट बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटिंग
in unison very loud in our hands over our ears to understand better, and the great teacher's great ruler rapping on the table. But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be so quiet. As on Sunday morning, though at the window I saw my classmates already in their places, and M. Hemel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, I had to open the door to go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. अब वो कह रहा है जब मैं स्कूल कॉम्पस पहुँचा, तो जब हमेशा मैं पहुँचता हूँ तो अंदर से क्या बच्चों के बोलने की आवाज़ें, कोई बुक खोल रहा होता है, कोई डेस्क खोल रहा होता है, जो टीचर है वो स्केल मार रहा होता है, चिल्ला रहा होता, तो मुझे हमेशा ऐसी आवाज़ आती है. लेकिन एक आज एकदम सन्नाटा था, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी. जैसे लग रहा था जैसे संडे हो, कोई भी नहीं स्कूल में. तो एकदम से डाउटफुल हुआ कि क्या बात है, आज कोई स्कूल नहीं आया क्या. उसने धीरे से विंडो खोल के देखी तो बच्चे क्लास में बैठे थे. एम एम एल जो उन्होंने अपना आयरन रूलर है वो नीचे मतलब अपने हाथ में दबा रखा था और वो अप एंड डाउन चल रहे थे और सब एकदम चुपचाप बैठे थे. हमेशा क्या होता है शोर शार के अंदर ये चुपचाप से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये लेट आया है. लेकिन आज इसको सबने ऑब्जर्व करा. आज ऐसे समझो कि पूरी क्लास एकदम चुपचाप बैठी आ रहा, कोई आदमी लेट आ रहा है तो वो क्या उसके ऊपर बीतती होगी. तो उसी तरह से एकदम ब्लश करने लग गया था, उनको समझ में नहीं आता ये क्या करें. ठीक है, लेकिन पहली बार एम हेमल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया उसके, है ना. बट नथिंग हैपेंड. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. और बहुत प्यार से उसको बोल रहे हैं कि अरे आ जाओ बैठो, अभी हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर देते. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright and did see that a teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he had never worn except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed to so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see that on the bank benches they were always empty. The village people were sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, former mayor and former postmaster with several others besides. Everybody looked sad, and the Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with great spectacles lying across all the pages. अब वो कह रहा है स्कूल मुझे आज बहुत अजीब लग रहा था. फिर मैंने नोटिस किया कि एम हेमल ने अपना ओवरकोट वगैरह ऐसी कोई ड्रेस फ्रिल्ड शर्ट ऐसी पहन रखी है जो हमेशा वो कभी इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पे या जब कोई ओकेजन होता था स्कूल में तब पहनते थे. तो इसको समझ नहीं आता कि आज ऐसा क्या, आज इन्होंने अपनी स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी है. फिर जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो क्लास के बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, आज वहाँ पे जो थे ना गाँव के गणमान्य व्यक्ति, वहाँ का मेयर हो गया, हाउसर हो गया, वो सब वहाँ बैठे थे और कुछ पढ़ रहे थे और वो भी एकदम चुपचाप बैठे, वो भी बोल नहीं रहे कुछ. While I was wondering about it all, M. Hemel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master will come tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive." वो कह रहा है कि जो जर्मनी का ऑर्डर है अब से एलिस और लॉरेन के फ्रांस स्कूल्स के अंदर जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो आज जो है तुम्हारा लास्ट लेसन है, कल से तुम्हारा नया टीचर आएगा जो तुम्हें एक नई लैंग्वेज पढ़ाएगा और ये लैंग्वेज तुम्हें नहीं पढ़ाई जाएगी अब से. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप इन द टाउन हॉल. Oh, the last French lesson, why I hardly knew how to write, I could never learn anymore, I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs and going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. And Mem Hemel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब एकदम से जो ये ऑथर है इसके सारी जो चेंज हो जाती है. थोड़ी देर पहले जो स्कूल बैग इसको भारी लग रहा था वो अब इसको एकदम से हल्का लगने लग गया था. बुक्स इसको कभी पसंद नहीं आई थी और इसको ऐसा लगने लग गया था कि क्या आज हमें लास्ट बार फ्रेंच पढ़ाई जाएगी और मैंने तो पढ़नी सीखी भी नहीं, ना मैंने लिखनी सीखी. काश कि मैं टाइम वेस्ट ना करता, मैंने कभी तो चिड़ियाओं के अंडे देखने में, कभी स्लाइड करने में, कभी कुछ इन्जॉय करने के अंदर मैंने अपनी क्लासेस को बंक कर दिया. काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं फ्रेंच सीख लेता और आज के बाद मैं कभी भी फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा. ही इज़ वेरी अपसेट. और फिर उसको एकदम से एम हेमल जो है, जिस टीचर को होता है ना एक बहुत ही हमें कोई बहुत बुरा स्ट्रिक्ट टीचर जो होता है वो ज़्यादातर गंदे लगते हैं, आज उसको एम हेमल भी बहुत अच्छे लगने लग गए थे. और उसको बहुत बार ये फीलिंग हो रही थी कि इन टीचर को वो आज के बाद कभी भी नहीं देखेगा.
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on the fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thinking. Our master is 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो ऑफकोर्स वो वहाँ पे रिस्पेक्ट, जो अब मुझे समझ में आया कि जो बूढ़े लोग हैं वो क्यों बैठे हैं पीछे, वो वहाँ पे रिस्पेक्ट के लिए आए थे ना, क्योंकि मास्टर को शहर छोड़ के जाना था उसी दिन, उसको ये ऑर्डर आ गया था फ्रेश टीचर को, और उसने 40 साल तक वहाँ पे अपनी सर्विस दी थी, तो सब उसको ऑफकोर्स फेयरवेल बिड करने के लिए वहाँ पे आए थे. While I was thinking all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of participle all through, very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. वो कह रहा है जब मैं ये सब कुछ सोच रहा हूँ इतने में मुझे ध्यान आया कि मेरा आवाज़ पुकारा जा रहा है, उसका आवाज़, सर जो उसको बोला कि खड़े होकर जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स है वो बताओ. अब वो कह रहा है मेरा मन तो करा कि मैं एकदम खड़े होकर और फटाफट सारे जो आंसर्स है वो बता दूँ, फटाफट बता दूँ बिना अटके, लेकिन मैं फर्स्ट वर्ड के अंदर ही अटक गया और मैं अपना बेड डेस्क को पकड़ के नीचे नाड़ करके खड़ा हो गया. मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनसे नज़र भी मिला पाऊँ. I heard M. Hemal say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with LSK. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say you. How is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have a great deal to reproach ourselves with. अब वो बोल रहा है फ्रांस मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, लेकिन आज हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम हमेशा ऐसे करते रहे कि मेरे पास बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन वो हमारा जो अंतिम समय है वो आज आ गया. हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात होगी कि हम फ्रेंच हैं और हमें ना तो फ्रेंच बोलनी आती है और ना ही फ्रेंच लिखनी आती है, ना ही फ्रेंच पढ़नी आती है. ये हम लोगों के लिए जो है एक शर्म की बात होगी. Your parents were not anxious enough to have you learn. They performed to put you work on the farm or at the mill so that you have a little more money. And I have been to blame also. Have I often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to fishing, did I not just give you a holiday? वो बोल रहा है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जो तुम्हें छुट्टी दिला के बैठ जाते हैं. क्यों? ताकि तुम खेतों में उनका काम कर सको या मिल में काम करने के लिए जा सको, ताकि उनको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए. इसके अंदर मेरी भी गलती है. कभी कभी मैं बच्चों को बोल देता था पौधों में पानी दे दो, काश मैंने उस टाइम उनको पढ़ाया होता. और कई बार जब मेरा फिशिंग करने का मन करता था तब मैं क्लास को मिस कर देता था. काश मैंने वो टाइम मिस ना किया होता और रेगुलर क्लासेस ली होती तो शायद तुम कुछ तो सीख जाते. And he was feeling very guilty and very bad about all this. Then from one thing to another, M. Hemal went on to talk to the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to the language, it is that they had the key to their prison. Then he opened the grammar and read to us the lesson. I was amazed to see well that I understand it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put into all the heads at one stroke. अब वो कह रहा है अपनी लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस पूरी पृथ्वी की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल है. और वो कह रहा है कि हमें हमेशा अपनी भाषा की, होता है ना, हमें हमेशा अपनी संस्कृति को गार्ड करना चाहिए. उसी तरह से भाषा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. वो कह रहा है कि अगर बाई चांस हम किसी के कब्जे में चले जाते हैं, कोई हमें इंसल्ट कर लेता है, और अगर हमें अपनी भाषा आती है तो वो हमारे प्रिजन की चाबी है. वी मस्ट ऑलवेज गार्ड आवर कल्चरल हेरिटेज. ऐसा वो बोल रहा है. और
फिर वो अपना जो ग्रामर का चैप्टर है जो उसको पढ़ाना होता है वो शुरू करता है, और फ्रांस जो वो एकदम एस्टोनिश्ड है कि आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, आज उसको लैंग्वेज इतनी ईजी लग रही होती है, और वो रियलाइज़ करता है कि इससे पहले उसने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं होता। अगर वो पहले सुनता तो भी उसको सब समझ में आ जाता, लेकिन उसने कभी इतने एफर्ट्स थे पेंस ही नहीं लिए कि वो सब सुने। और ना ही एम हेमल भी, जब वो पढ़ाते थे तो वो थोड़ा जल्दी में पढ़ा देते होंगे, गुस्सा करके पढ़ाते होंगे। आज उन्होंने पेशेंटली हर एक वर्ड को बहुत डीपली समझा, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जितना भी ज्ञान उनके पास है वो जाने से पहले सब अपने बच्चों के अंदर डाल के जाना चाहते हैं, सब कुछ उनको सिखा के जाना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड द लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एलेस्के दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम रॉड ऑफ द टॉप ऑफ आर डेस्क। वी ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, द ओनली साउंड दैट वॉज स्क्रैचिंग अ पेन ओवर पेपर। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ इट वॉज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब जो है उनका ग्रामर का चैप्टर जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद में उनकी राइटिंग का आया, और उनकी राइटिंग के अंदर उनके जो शहरों के नाम है वो उनको बहुत सुंदर राइटिंग के अंदर लिख के दिए जो उनको लिखना था, और बोल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैग्स है वो चल रहे हैं, और सब बच्चे के एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर जो है अपना अपना काम अपने बेस्ट हैंड राइटिंग्स के अंदर कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था जिस सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही थी उनके पेन चलने की, या थोड़े बहुत बीच में कभी कोई बी आ जा रही थी, या कोई पिजन्स जो कू कर रहे थे। और जो ऑथर है वो बहुत ही एक सटायर यहाँ पे ला रहा है कि क्या जो जर्मन्स है ये जो पिजन बोल रही है ना, जो कबूतर जो बोल रहा है, इसको भी क्या अब से जर्मन बोलनी पड़ेगी क्या, अब ये फ्रेंच में अपनी बात नहीं कह सकेगा, इसको भी क्या अब से जर्मन बोलनी पड़ेगी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट ऑल थिंग्स एंड देन अनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुकड इन द लिटिल स्कूल रूम। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द टॉप ऑफ वाइन ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अपॉन द विंडोज टू द रूफ। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल टू अ मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबव पैकिंग द ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। अब वो बोलता है कि मैं लिख रहा था जैसे जब भी मेरी नज़र उठती मैं एम एम एल को नोट कर रहा था, वो कभी एक चीज़ को घूर रहे थे कभी दूसरी चीज़ को ऐसे देख रहे थे जैसे वो इन सबको अपने अंदर एकदम बसा के ले जाए। एक आदमी 40 साल वहाँ नौकरी करी, उसने सब कुछ उसके हाथों से लगाया हुआ था, बाहर का गार्डन हर पेड़ जो पेड़ भी इतने 40 साल के अंदर इतने बड़े बड़े हो गए थे वो सब चीज़ें उनके अपने हाथों से लगी हुई थी, तो ये सब देख के उनको बहुत बुरा लग रहा था। गुड मॉर्निंग बेटा, एक सेकेंड 5 मिनट बैठ जाओ, क्लास चल रही है ना। देन और मतलब उसको कैसा फील हो रहा होगा कि आज उनको वो सब कुछ छोड़ के जाना है जो उसने 40 साल के अंदर संजोया था, और उसकी जो बहन है वो ऊपर उनके सामान वामान पैक कर रही थी तो सामान इधर उधर करने की आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ कितनी भारी होंगी उनके लिए क्योंकि उनको अगले दिन जो है वो शहर छोड़ के जाने का ऑर्डर था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ द हैंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड दैट ही इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वे ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड ट्राई एंड हाउ वी विल रिमेंबर इट दैट आ लास्ट लेसन। अब वो कह रहा है फिर हमारा और लेसन्स हुए, हिस्ट्री का लेसन हुआ, फिर जो बच्चे उनसे राइम्स बोले गए और जो पीछे हाउसर था वो भी वो राइम्स बोल रहा था, और ऑफकोर्स वो रो रहा था क्योंकि इसकी आवाज़ से हमें ऐसे पता चल रहा था कि वो रो रहा है, और कह रहे उसकी आवाज़ जो है वो इतनी फ़नी आ रही थी कि हम हंसना भी चाहते थे लेकिन हम रोना भी चाहते थे, और ये हमारा लास्ट लेसन है जो शायद मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। All at once the church clock struck 12 and the Angelus at the last moment the trumpets of questions returning from the drill sounded under our windows and Hemel stood up with pale in his chair. I never saw him look so tall.
अब वो कह रहा है 12 बज चुके थे, क्लास का टाइम ओवर हो चुका था, सोल्जर जब अपने प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे उनकी आवाज़ों से हमें पता चल गया था। और कह रहा है कि इतने में MML जो अपनी चेयर से खड़े हुए हैं, जिससे एकदम पेल कमज़ोर ही में आदमी होता है ना, कह रहा है मैंने पहली बार नोटिस किया कि MML इतने लंबे थे। माय फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो वो एड्रेस कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, और फिर कुछ ऐसा लगता है ना उनके गले के अंदर वो रुआसी आ गई और किसी ने उनको बोलने से रोक दिया और वो कुछ भी नहीं बोल पाए, उनके मुँह से शब्द ही नहीं निकले, वो रोने लगे शायद। और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France। और उसके बाद में चौक लेके जितना भी ताकत वो लगा सकते थे, जितना भी दम वो लगा सकते थे, उन्होंने बोर्ड पे लिखा Viva la France। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us that with his hand school is dismissed, यू में गो। और मतलब उसके बाद में दीवार के सारे खड़े हो गए और उनसे वीवा ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस उन्होंने उसके ऊपर लिखा फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। और फिर उन्होंने उनसे मुंह से तो कुछ बोला ही नहीं गया, उन्होंने इशारे से ही बच्चों को जाने का इशारा कर दिया कि तुम जा सकते हो, जो स्कूल है वो ख़त्म हो गया है। एंड दैट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रांस। सो दिस इज़ अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी कि जो वॉर्स होते हैं, हाउ दे डिस्प्लेस पीपल एंड थिंग्स एंड एवरीथिंग इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग वॉर्स, है ना। यू नोट नेवर नो वॉट हैपन्स द नेक्स्ट मोमेंट वेन अ वॉर इज गोइंग ऑन, यू योर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम यू पीपल। सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस चैप्टर। नाउ आई विल बी रीडिंग अबाउट द स्टोरी फॉर यू। द लास्ट लेसन नरेट्स एन इवेंट अबाउट द एयर 1870 वेन पर्शियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क कैप्चर्ड फ्रांस। द न्यू पर्शियन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द न्यू स्कूल्स ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्के एंड लॉरेन। द French teachers were asked to leave. Now MML could no longer stay in his old school. Still he gave the last lesson to his students with utmost sincerity. So I hope all of you like this story. Have a nice day all of you.